म्यूजिक डायरेक्टर के बिना दिल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। संगीता मान एंड प्लीज लाइक बहुत बड़ा दिन है संगीता मान के लिए क्योंकि आज उनका बर्थडे भी है गाइस। सो मैम आज आपका गाना आ रहा है बॉलीवुड, कैसा फील हो रहा है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद, आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम बना दिए हैं मेरे बर्थडे को भी और म्यूजिक रिलीजिंग को भी। ऑलवेज हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी मेरा बर्थडे होता है तो मैं कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ और इस बार भी को इंसिडेंटली हमने ये गाना प्लान किया और राजीव जी ने भी बहुत मेहनत की, लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है और अमन कुमार लॉन्च हो रहे हैं और हमारे कोरियोग्राफर देव थापे जी बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेप्स दिए हैं जिसको करने में मुझे बहुत मजा आया। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ बट अभी आप लोग देखना भी बताना कैसा है। सो आर यू गाइस रेडी टू सी द सॉन्ग? तो प्लीज बहुत मेहनत की अमन ने इस गाने के लिए, बहुत मेहनत की, मेरे से ज्यादा काम इनका था इस गाने में तो इनके लिए क्लैपिंग होने चाहिए। मैं तो खाली एक किया और इनकी तारीफ होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर कंपनी। मैं चाहूंगा कि एसटी सीरीज बहुत गाना बनाए और आगे बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच। मैं लक्ष्मी जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी जिनकी वजह से ये गाना हो पाया क्योंकि ये सोच इनकी थी कि इस बॉलीवुड में कितने शिकारी हैं तो इन्होंने बजाया, तीन शिकारी हैं, इन्हीं को पकड़ो। सो ये इम्पॉसिबल होता बट आई वुड स्पेशली लाइक टू इनवाइट ऑन द स्टेज हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर अभिजीत रानी सर एंड सुधा सिंह मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर आपने गाना देखा, आप प्लीज बताइए आपको गाना एक्चुअली कैसा लगा? थैंक यू सो मच सर। एंड अमन सर यू टेल योर एक्सपीरियंस कैसा था और कितना एंजॉय किया आपने? मैं तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि ये फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब फर्स्ट था मेरे लिए और मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। चलेगा रे चले। मेरे ये देव दादा जो कोरियोग्राफर है इन्होंने बताया था सर, आज कराया मुझसे और उसमें बहुत मजा आया मुझे और हमारे डायरेक्टर सर है देखो राजीव रिया सर है इनकी वजह से भी किया मैंने और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सर लक्ष्मी सर, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। लक्ष्मी सर ये पूरा आपका विजन था, कैसे आपको ये थॉट आया और कैसे आपने संगीता मैम को कन्विंस किया, क्या हुआ प्लीज कुछ बताइए सर? गाने की बहुत बड़ी कहानी है,
एक साल पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था राजीव सर और संगीता जी ने, ऐसा कुछ गाना होना चाहिए और ऐसा कुछ आप लिखिए। तो काफ़ी गाने हमने कंपोज भी किए, सुनाए भी, लेकिन बोला नहीं, मज़ा नहीं आ रहा। फिर फाइनली मेरे माइंड में चीज़ आई कि क्यों ना एक रियल जो चीज़ है, जो ट्रू चीज़ है, आप सब भी उस चीज़ को जानते हैं, देख रहे हैं, तो लाइन दिमाग में आई कि इस बॉलीवुड के तीन ये शिकारी जिनका फितूर मुझे चढ़े बारी बारी, इस बॉलीवुड के तीन ये शिकारी जिनका फितूर मुझे चढ़े बारी बारी, एक है दबंग, दूसरा किंग खान है, तीसरा भी कम नहीं वो भी मेरी जान है, सारे परेशान है, बाकी परेशान है हिट तीन खान है, बाकी परेशान है हिट तीन खान है। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने सर से तो सुन लिया, बट देव सर मुझे आपसे पूछना है कि आपके दिमाग में ये स्टेप कैसे आए और तीन खान कैसे आपने सब कुछ किया? ये स्टेप तो मुझे इसको देख के ही आया। एक्चुअली इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद हर, एंड आई रियली हैड अ, you know, it takes a lot to pull it in a one day, and she did really good. Thanks to her, she justified the song. Thank you so much. और उनको ही देख के मुझे ये step आया, उनके साथ साथ ही मैंने बनाया है, जैसे आपका question. Ma'am, आपका गाना, आपका birthday, सब कुछ special देना है, तो दो line तो आपकी बनती है। इस बॉलीवुड के तीन शिकारी जिनका फितूर मुझे चढ़े बारी बारी, एक है दबंग, दूसरा किंग खान है, तीसरा भी कम नहीं है वो भी मेरी जान है, सारे परेशान है हिट तीन खान है, सारे परेशान है हिट तीन खान है। Guys, let's this poster launch. I'll request sir, please. Ma'am, please. Sir, ma'am, please. Come on, guys, cheers! Guys, आज का दिन आपको पता है जैसे संगीता मैम के लिए बहुत स्पेशल है, तो वी कैन नॉट लेट हर गो डाउन विदाउट कटिंग द केक। लेट्स कट द केक मैम। अरे इतना नहीं कट रहे हैं, इसके साथ देने का इतना वाइट जब वो फ्रेम के साथ ये फ्रेम है, हां वही ना, थोड़ा सा एक्सक्लूसिव बस ये कर नहीं सकता है, तो वही किया ना उसने, जूम किया ना अरे मोहन बहुत बढ़िया है जवाब
जवाब दे दिया कि बॉलीवुड में राज करते हैं तीन था, तो इसीलिए ऑब्वियसली अगर हम कुछ करेंगे तो जो राज कर रहे हैं उसके लिए करेंगे। मेरा खुशी मिलता है उसको, मैं हमेशा से मैं बोलते आई हूँ सलमान। लेकिन आज के दौर में संगीता जी आज भी उत्साह उतना ही दिखा पर्दे पर जितना पहले हुआ करता था। कौन सी चक्की का आटा खाती है? जी जी हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू संगीता जी कंटिन्यू। हाँ जी जी राजीव जी बोलिए, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एल्बम को लेकर? बोर हो गया सालों से प्लानिंग था इंसानों में, अब म्यूजिक वीडियो का फर्स्ट माना। मेरा मेरी इंडस्ट्री में जब शुरुआत हुई तो म्यूजिक वीडियो लास्ट टाइम में मेरे 100 म्यूजिक वीडियो दर्शन संगीता का जो गाना पूरा मुझे लगा नहीं ये गाना बहुत अच्छा है गाना